पिछले महीने थाने पुलिस ने बोगस कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया था, जिसके 700 से 800 कर्मचारी थाने में बैठकर अमेरिकन्स को ठग रहे थे। सालाना 1,000 से 1,500 करोड़ रुपए ठगने का यह सिलसिला 2013 से शुरू हुआ था। यह रैकेट सामने आने से भारत के इंटरनेशनल बीपीओ सेक्टर की छवि को खासी चोट पहुंची है। खुद को अमेरिकन इंटरनल रेवेन्यू सर्विस का एजेंट बताकर ये लोग अमेरिकन्स का पैसा लूट रहे थे। अब जैसे थाना में ये फ्रॉड्स बाहर आ रहे हैं, मीरा रोड, बोरीवली, बॉम्बे बोलते हैं, दिल्ली में भी पहुंच चुका है, अहमदाबाद में भी बहुत जोरों से, तो शायद अभी लोकल पुलिस स्टेशन और इधर के क्राइम ब्रांच मिलके और भी कॉल सेंटर्स विजिट करेंगे, क्योंकि पता नहीं है कि और कितने कॉल सेंटर्स यही काम कर रहे हैं। अमेरिका और यूरोप से बहुत सारी कंपनियां भारत के बीपीओ सेंटर्स को अपना काम आउटसोर्स करती हैं। इस स्कैम की वजह से आने वाले इन कामों पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। इधर के जो बीपीओस होंगे उनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट, जित ऑलरेडी नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट है, बट ये शायद फ्यूचर में और भी नॉर्म्स और स्ट्रिक्ट किए जाएंगे। बट एक चीज़ ये कंफर्म है कि शायद अगर अभी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना होगा तो शायद यूएस की कंपनीज एक कोई दूसरा ऑप्शन सोचेंगे कि भाई इंडिया के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन है जिधर हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। इस स्कैम में हजारों अमेरिकन के निजी डेटा का गलत इस्तेमाल हुआ था। इसी वजह से अब से आगे किसी का निजी डेटा भारतीय सेंटर्स के साथ शेयर करने से पहले यह कंपनियां 10 बार सोचेंगी। हो सकता है कि वो जितना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वाला बिजनेस है वो पूरी तरह बंद ही कर दे इंडिया को आउटसोर्स करना, जैसे कि पेरोल प्रोसेसिंग है या उनके जो रिटर्न्स के फाइलिंग की डेटा प्रोसेसिंग है या जो वॉइस बिजनेसेस है, तो इट कैन बी अ लार्ज इम्पैक्ट एंड इट कैन गो एज हाई एज मे बी 10-20% ऑफ द होल बिजनेस वॉल्यूम। भारत के इन बीपीओ सेंटर्स ने हजारों युवाओं को रोजगार दिया है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन बीपीओ सेंटर्स को मिलने वाले काम अगर कम हुए तो जाहिर है कि युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। गवर्नेंस नाउ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट करण जेठवा के साथ गणेश देवकर, मुंबई।